हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्स एडमिशन की जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने जी हाँ भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र से नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट कॉलेज है पैरामेडिकल कोर्सेज़ यहाँ से कराए जाते हैं तो इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई कैसे करेंगे कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं तो वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो हम देख चुके हैं आज डिटेल नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं जो कि बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है तो चलिए देखते हैं सारी जानकारी क्या कुछ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है तो सबसे पहले आप देखेंगे भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट 2022-23 के सेशन के लिए यहाँ पर एडमिशन कराए जा रहे हैं जी हाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी अलग तरीके से आया है सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंसिपल डेस्क की तरफ से जो भी यहाँ पे मैसेज दिया जाता है वो सब यहाँ पे मेंशन है अब चलिए इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं बी का Bhopal Memorial, Memorial Hospital and Research Center Paramedical Institute was established in uh, August 2004. It is recognized by MP Paramedical Council, Health Education, Government of MP Education Department, and it is affiliated to jawalpur Medical Science University. The college is well furnished with lecture halls, demonstration halls, and uh, an auditorium of 150 seats. Bhopal Memorial Hospital and Research Center (BMHRC) is providing medical treatment of high highly specialized nature in uh, defined areas, free of cost uh, to victims of Bhopal gas tragedy. It is pro promoting medical research and continuous education programs, including postgraduate education training. BMHRC is a three-fifty varied super specialty hospital in an area of eighty-five acres land. विथ अल्ट्रा मॉडर्न एकमेंट्स एंड फैकल्टीज विच आर अन इन द एंट्री स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी एम एच आर सी का इंट्रोडक्शन दिया है इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं इसके बाद डिपार्टमेंट डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो भी यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं जौन जौन से कोर्स होते हैं उन सब का यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में दिया हुआ है कि कौन सा कोर्स कैसे रिलेटेड है तो इस पर आगे वीडियो आएगी सारे कोर्स के बारे में हम देखेंगे जिसमें एनेस्थीशिया डिपार्टमेंट का है ब्लड बैंक का है इसके अलावा यहाँ कैथ कैथलैप्स है परफ्यूज़न है डायलिसिस है मेडिकल लैब टेक्नीशियन है पैथोलॉजी का ऑप्टोमेट्रिक रिफ्रेक्शनिस्ट है एक्सरे एंड रेडियोलॉजी है इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हॉस्टल भी दिया जाता है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है तो चलिए देखते हैं लाइब्रेरी भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी देयर इज़ अ फर्निश्ड हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स हॉस्टल वार्डन इज प्रेजेंट राउंड द क्लॉक स्टूडेंट्स हैव टू अवॉइड वाई द हॉस्टल रूल्स हॉस्टल विल बी वैक्सटेड इन केस ऑफ स्टूडेंट्स नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन इन टू हॉस्टल फ़ी आपकी जो है वो ट्वेल्व हंड्रेड पर ईयर रहेगी एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो रहेगा वो टू थाउजेंड पर ईयर रहेगा मतलब एक साल में आपको दो हज़ार रुपये यहाँ पर पे पेड करने होंगे हॉस्टल के लिए मैथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस है जिसमें आपको पेमेंट सात महीने का पहले करना पड़ेगा एडवांस में क्लासरूम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं लेबोरेटरी है, है यूनिफॉर्म आप देख लेते हैं तो जो बॉयस होते हैं उनको लाइट ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट लगेगी और पैंट आपको डार्क ब्लू लगेगा एप्रन वाइट है ब्लू सॉक्स एंड वाइट शूज़ आपके पास रहने चाहिए गर्ल्स के लिए आप देखेंगे तो कुर्ता सलवार एप्रेन और दुपट्टा है अब यहाँ पे वेकेशन एंड लीव ऑप्शन देखेंगे तो टेन डेज़ ड्यूरिंग दिवाली दिवाली के टाइम पे दस दिन की छुट्टी मिलेंगी होली पे सात दिन की पाँच दिन की राखी पे ट्वेंटी डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडेंस सेवेंटी फाइव परसेंट आपकी रहनी चाहिए तैतीस परसेंट आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स रहने चाहिए तभी आप यहाँ पे पास हो पाएंगे चलिए अब कोर्स डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स यहाँ से होते हैं तो डिप्लोमा इन एनेस्थीशिया टेक्नीशियन आपका डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कराया जाता है आठ सीट इसकी हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की भी दस सीट्स यहाँ पे हैं डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नीशियन की छः सीट यहाँ पे हैं डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की छः सीट्स हैं पीजी डिप्लोमा भी यहाँ से कराया जाता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का छः सीट इसकी हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पंद्रह सीट हैं डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक रिफ्रैक्शन टेक्नीशियन की दस सीट्स हैं एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की केवल हाँ यहाँ पर छः सीट्स हैं अटेंडेंस यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरी एंड मिनिमम अटेंडेंस ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट इन थ्योरी एट्टी फाइव परसेंट इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये आपको ज़रूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि आप सभी को पता है ट्वेल्थ आपको पास आउट होना चाहिए फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बी एस सी कम्प्लीट होना चाहिए फ़िजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ इसके अलावा मिनिमम मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी तो चालीस परसेंट रहेंगे एस सी एस टी ओ बी सी मतलब जनरल वालों के लिए इसके बाद तीस परसेंट तैतीस परसेंट रहेंगे एस सी एस टी ओ वी सी के लिए एज क्राइटेरिया है सत्रह से पैंतालीस वर्ष और जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उन्हें यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन में और बाकी जो अदर स्टेट के रहेंगे उन्हें भी एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा स्कॉलरशिप आपको मध्य प्रदेश शासन अनुसार दी जाएगी फ़ी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं फ़ीस कितनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी तो फ़ीस आप दो किस्तों में कर सकते हैं यहाँ पे पच्चीस पच्चीस हज़ार का होता है पहले आपको पच्चीस हज़ार जमा करने पड़ेंगे फिर दूसरी किस्त में आपको पच्चीस हालांकि टोटल फ़ीस देखेंगे तो ट्यूशन फी छः इकतालीस हज़ार छः सौ दस रहे फर्स्ट ईयर की पाँच हज़ार है काउंसिल मनी स्पोर्ट की एक हज़ार है इंटरनल वैल्यूशन असाइनमेंट की है एक हज़ार लेबोरेटरी चार्ज आपके एक हज़ार हैं इस प्रकार से टोटल आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस रहेगी उनचास हज़ार छः सौ दस रुपये और सेकेंड ईयर की है चवालीस हज़ार छः सौ दस रुपये इसमें जो आपकी कौंसिल मनी है वो रिफंडेबल होती है इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फ़ी एनरोलमेंट फी, फी एलिजिबिलिटी फ़ी माइग्रेशन फ़ी अलग से दे होगी यूनिवर्सिटी के रूल्स के अनुसार हॉस्टल फैकल्टीज़ अवेलेबल फ़ॉर फीमेल एंड मेल कैंडिडेट अप्लाई आप कैसे करेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म आपको भरे जाने हैं आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं लास्ट डेट के पहले आपको फॉर्म भरे जाने हैं 26 नौ 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 20 दस 2022 इसकी लास्ट डेट है तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन आया था भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम देख रहे हैं अब डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगने वाले हैं और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पर अपने साइन कर देना है इसकी फोटोकॉपी लगा देनी है और फॉर्म के साथ सबमिट कर देना है इस पोस्ट आप कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स एक और वीडियो आएगी जिसमें हम कोर्स और डिपार्टमेंट का देखेंगे वी एम में और कौन से कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है क्या यहाँ से कोर्स करना सही रहेगा इन सब पे चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो में तो जो भी क्वेश्चन आपका रहता है वो कमेंट सेसन पे आप छोड़ दीजिएगा चलिए डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं टेंथ की मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट बी एस सी अगर आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कूल ट्रांसफर लिविंग सर्टिफिकेट आपका टी डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट और डिजिटल डोमिकल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र मूल निवास माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ये सब आपको लगने वाला है इसके बाद आपका मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगा और फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर फीस दी हुई है जनरल कैंडिडेट को ढाई सौ के लिए एक सौ पच्चीस फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए पचास तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है बी एम एच आर सी में एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू